राहुल के साथ खड़ा हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए दोबारा ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी से ईडी ने दो चरणों में पूछताछ की थी। लंच से पहले करीब 3 घंटे तक राहुल से पूछताछ जारी रही। इसके बाद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ सर गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। वहां से आने के बाद राहुल फिर से ईडी दफ्तर पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक पहली बार ईडी की पूछताछ का सामना करने वाले राहुल गांधी ने ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साध ली थी, तो वहीं दिल्ली पुलिस कल की तरह आज भी पहले से अलर्ट मोड पर थी। अकबर रोड पर तो धारा 144 लगा दी गई थी, इसके साथ तो वहीं कई कांग्रेसी नेताओं को आज भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शायर और कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के समर्थन में गाना गाया और गुनगुनाते हुए कहा कि कैसा भी दौर आए वो राहुल गांधी के साथ हमेशा खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। ऐसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेता और समर्थक राहुल गांधी के खिलाफ ईडी जांच का विरोध कर रहे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता हरीश रावत आम कार्यकर्ताओं की तरह पूरे दिन मैदान में नजर आए, जहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे सीएम बघेल समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।